पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सेकंड T20 मैच और हारने की वजह क्या बनी, क्यों इतने ज़्यादा कैचेस छूटे और क्यों रिजवान ने बाद में अपने इंटरव्यू में ये बात कही कि हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो कौन सी प्रिपरेशन कर रहे हैं T20 खेलते हुए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में T20 का कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं है पर ICC का ICC चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर शुएब अख्तर ने क्या कहा इस मैच के ऊपर, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 13 रन से ये मैच हार चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज रहा था। पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग कराते हुए ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर दिया था 147 रन के ऊपर, और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को बहुत आराम से जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए टारगेट चेस करना मुश्किल नहीं था। बट यहाँ पे जब ओपनर्स आए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, और उसके फ़ौरन बाद यहाँ पर साहिबजादा फरहान आया, वो भी आउट हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स करती रही। पर मोहम्मद उस्मान ने आज यहाँ पर अपने करियर की पहली 50 स्कोर की, 52 रन बनाए उन्होंने 38 बॉल्स के ऊपर, और साथ ही साथ यहाँ पे इरफान खान नियाजी जो थे वो अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए, पर सलमान अली आगा फेल रहे, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह सबके सब फेल रहे, पर यहाँ पे इरफान खान की जितनी बैटिंग की तारीफ़ की जाए कम होगी। और शुएब अख्तर ने भी उनकी बैटिंग की तारीफ़ की कि वो अंडर प्रेशर होते हुए भी अच्छे शॉट्स भी लगा रहे थे और वो इनिंग बिल्ड कर रहे थे, पर उनका साथ देने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं था। और यहाँ पे मोहम्मद रिजवान का ये कहना था कि हमारी फील्डिंग के अंदर हमने बहुत ज़्यादा कैचेस ड्रॉप किए, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने हमसे 30-40 रन ज़्यादा बनाए, और वही 30-40 रन हमें बनाना मुश्किल पड़ गया, और हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो दोस्तों आप लोगों को ये सेकेंड T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।